हथेली में, जैसे कि मैं देख रही हूँ कि हथेली में, पूरी हथेली में पर्वत जो हैं, पर्वत जितने भी हैं वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर बैठे हुए हैं। और दूसरी बात ये है कि यहाँ पर हथेली पर जो फिंगर हैं, ठीक है, फिंगर भी यहाँ पर कुछ कुछ फिंगर जो है यहाँ पर, एक तो जहाँ की जो बुद्ध फिंगर है वो काफ़ी अलग है और बिल्कुल बिल्कुल सटी हुई नहीं है, बिल्कुल अलग है, ठीक है। और यहाँ पे जो सूर्य की जो फिंगर है काफ़ी उन्नत पोजीशन पर है सूर्य की फिंगर। बृहस्पति की फिंगर काफ़ी छोटी है यहाँ पर, इनको थोड़ी सी ईगो प्रॉब्लम हो सकती है, बात बात में काम, जब कोई काम निकलवाना होता है किसी बंदे पे तो इनको गुस्सा बहुत आता है। जब गुस्सा उसी बात पे आता, गलत चीज़ को ले करके ही गुस्सा आता है ऐसे जातकों को, ठीक है। बट लेकिन यहाँ पे जो सूर्य की फिंगर है यहाँ पर ये शो ऑफ कर रही है कि अधिक से ज़्यादा सूर्य की जो फिंगर है ऐसे लोगों को नेम फेम देती है, क्योंकि यहाँ पे सूर्य की जो फिंगर है उसमें चक्र की भी पोजीशन मेरे को देखने को मिली है यहाँ पर। और यहाँ पे जो बुद्ध की जो फिंगर है वो बिल्कुल अलग है, इनके काम करने का जो तरीका है, इनके सोचने समझने की जो तरीका होती है, शक्ति होती है, तर्क शक्ति होती है, बुद्धि की तीक्ष्ण शक्ति होती है, वो बिल्कुल डिफरेंट होती है ऐसे जातकों की, ठीक है। यहाँ पर मैं दिखाना चाहूँगी हथेली में, यहाँ पर ये जो बुद्ध की फिंगर है, ठीक है, ये सोचने समझने के लिए और ज़्यादा प्रेरित करती है। अधिक से ज़्यादा जो है बुद्ध में, यहाँ पर बुद्ध का जो मैं माउंट देख रही हूँ यहाँ पर इनका जो है बुद्ध की जो पोजीशन है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन है यहाँ पर, क्योंकि बुद्ध की माउंट पर यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो काट रही हैं यहाँ पर मैं ड्रॉ करके दिखाना चाहूँगी। यहाँ पे ये जितना भी बुद्ध का एरिया है, यहाँ पर बुद्ध के जो है पर्वत पे काफ़ी सारी रेखाएं यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, बिल्कुल साफ़ सुथरी हैं और काफ़ी बड़ी बड़ी रेखाएं यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। इससे ये पता चलता है कि जातक का जो है सेंस ऑफ ह्यूमर काफ़ी अच्छा है, बिजनेस का सेंस काफ़ी अच्छा होता है, वाणी में काफ़ी ज़्यादा शक्ति होती है ऐसे जातकों की, सामने वाले व्यक्ति को जल्दी से कंप्रोमाइज़ कर लेता है, कन्विंस कर लेता है इंसान। और ऐसे लोग जो है भरपूर अपना टाइम जो है पैसे कमाने में ही, ऐसे लोगों का दिमाग भी ज़्यादा प्रेरित होता है, क्योंकि बुध काफ़ी अच्छी पोजिशन पर हथेली पर दिख भी रहा है जातक की हथेली पर, ठीक है। दूसरी बात यह है कि यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं जो टूटी फूटी यहाँ पर दिखाई दे रही हैं, ये जो रेखाएं हैं यहाँ पर ये भी दिखा रही हैं कि बिज़नेस में इनको लॉस भी हुआ था, आगे चल करके बिज़नेस में इनको लॉस भी काफ़ी ज़्यादा हुआ है, लेकिन ये जो डार्क रेखाएं, मोटी रेखाएं, ये यहाँ पर ये शो ऑफ करती है कि बिज़नेस को इनको काफ़ी ज़्यादा अनुभव हो चुका है और काफ़ी ज़्यादा आगे बिज़नेस में ये ग्रोथ करेंगे ऐसा है। बुध जिस भी जातक का स्ट्रॉन्ग होता है ऐसे जातक बहुत ज़्यादा तरक्की करते हैं अपने बिजनेस पे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हथेली में उनकी उंगली में पहले बात यह है कि यहाँ पर बृहस्पति माउंट की ये जो फिंगर है, बृहस्पति महाराज की जो फिंगर है, यहाँ पर भी चक्र देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर भी चक्र देखने को मिल रहे हैं फिंगर में। और इनके यहाँ पर जो है शनि माउंट की फिंगर में भी चक्र देखने को मिल रहे हैं, यहाँ पर शन माउंट में भी जो है चक्र देखने को मिल रहे हैं। जिसकी भी हथेली में चक्र होते हैं ऐसे लोगों को स्टार्टिंग में बहुत ज़्यादा संघर्ष करना पड़ता है, जब सोने की तरीके तप के जब सोना बनता है, ठीक है, तो यही हालत होती है इंसान की, क्योंकि हर एक इंसान जन्म से भिक्षुक ही होता है, भिक्षा ही, भिखारी ही होता है, लेकिन करोड़पति पैसे वाला हर एक इंसान यहीं पर मृत्यु लोग जो धरती लोग है इसी पर ही इंसान बनता है, ठीक है। जिस भी जातक की हथेली पर चक्र होते हैं आँख मूंद कर आप देख लीजिए, क्योंकि स्टार्टिंग में हर एक इंसान को संघर्ष करना ही पड़ता है, ठीक है, इसीलिए काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है, लेकिन आगे तरक्की ही देगा आपको, ठीक है, कभी पीछे मुड़ करके आप नहीं देखेंगे। यहाँ पर हथेली पर मैं जैसे कि देख रही हूँ यहाँ पर सूर्य का माउंट देख रही हूँ, यहाँ पर सूर्य का माउंट अच्छी पोजीशन पर नहीं है, इनका बिजनेस में काफ़ी लॉस भी हुआ होगा स्टार्टिंग के टाइम, बिजनेस जब आपने स्टार्ट किया होगा, अपने कैरियर आपने स्टार्ट किया होगा, काफ़ी लोगों को ताने भी सुनने को मिले होंगे आपको, क्योंकि यहाँ पर नेम फेम में यहाँ पर सूर्य जो है पिता का भी आपका छाया नहीं रहा होगा, पिता की तरफ से भी आपको ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला होगा यहाँ पर, क्योंकि यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं जो सूर्य पर काफ़ी सूर्य के पर्वत पर काट रही हैं, क्लियर कट नहीं है, सूर्य का जो माउंट है यहाँ पर काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि काट रही हैं, जो कि ये दिखाती है कि काफ़ी ज़्यादा इन्होंने संघर्ष किया है और संघर्ष करके ही जीवन में आगे बढ़े हैं, ऐसी बात है, ठीक है।
और संघर्ष से कभी भी ये डरते नहीं हैं। संघर्ष, जो भी संघर्ष होता है, ऐसे जातक संघर्ष बहुत ज़्यादा करते हैं, कभी भी अपने मुकाबले से डरते नहीं हैं। अगर इनके सामने कोई भी प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है तो उसको फेस करते हैं, उनको फाइट करते हैं ऐसे जातक। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेते हैं, यहाँ पर इनका जो है शनि माउंट के, शनि माउंट में जैसे कि मैं देख रही हूँ कि शनि माउंट में इनके हर एक काम में इनके डिले होता है। जो कोई काम इनका होने वाला होता है, 15 तारीख को चेक कटनी हो, महीने की 15 तारीख को चेक कटनी होगी, तो वही 20 तारीख को भी जो है चेक कट सकती है। काम डिले हो सकता है, पैसे के लेन देन में, प्रॉपर्टी में पैसे के लेन देन में भी इनको डिले होता है। ठीक है, यहाँ पर जिस तरीके से यहाँ पर शनि की रेखाएँ जैसे कि मैं देख रही हूँ, यहाँ पर ये यहाँ पर बृहस्पति का इनको सपोर्ट मिलता है, बृहस्पति महाराज को सपोर्ट मिलता है, क्योंकि एक लाइन निकल के ऐसे जा रही है। ठीक है, दूसरी बात ये है कि यहाँ पर शनि भी इनकी अच्छी पोजीशन पर नहीं है। शनि का जो पर्वत है वो भी काफ़ी दबा हुआ है, अच्छी पोजीशन पर नहीं है, इसलिए शनि महाराज इनके काम में कुछ ना कुछ चड़ंगा डालते, कुछ ना कुछ काम में कुछ ना कुछ इनकी जो है खराबियाँ ज़रूर निकलती हैं, ऐसी बात है। ठीक है, हर एक काम में इनका डिले ज़रूर होगा। ठीक है, क्योंकि शनि महाराज अच्छी पोजीशन पर हथेली पर भी नहीं दिख रहे हैं। दूसरी बात मैं देख लेती हूँ यहाँ पर बृहस्पति माउंट में, ये बृहस्पति माउंट है जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर, जो यहाँ पर बृहस्पति माउंट है यहाँ पर कुछ रेखाएँ निकल रही हैं। यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर, एक तो यहाँ पर इनका जो है वर्गाकार का एक ये चिन्ह अच्छी प्लस पॉइंट इनका बन रहा है। प्रॉपर्टी वगैरह से जातक के पास बहुत ज़्यादा होंगी, आगे भी प्रॉपर्टी ये जातक बना सकते हैं। यहाँ पर भी कुछ रेखाएं हैं, ये कुछ रेखाएं हैं यहाँ पर बृहस्पति माउंट पे जो कि इनकी काट रही हैं। इनका सेंस ऑफ ह्यूमर इनका काफ़ी ज़्यादा अच्छा है, मल्टीपल पैसा बनाने में इनका दिमाग काफ़ी ज़्यादा चलता है कि मल्टीपल पैसा मैं कैसे बना सकूं, पैसे को कितना ज़्यादा मैं ग्रोथ कर सकूं, ऐसा इनका दिमाग इनका बहुत ज़्यादा चलता है। ऐसे लोगों को बिजनेस में सुनने की आदत नहीं होती, सुनाने की आदत होती है। इनको जो है कभी कभी घमंड भी हो जाता है अपने ऊपर, ऐसे जातकों के ऊपर, ऐसे जातकों को अपने ऊपर घमंड भी हो जाता है। बट लेकिन ऐसे जातक दिल के बहुत ज़्यादा साफ होते हैं, क्योंकि इनके जो बृहस्पति माउंट है वो काफ़ी अच्छी पोजिशन पर रहे हैं जैसे कि मैं देख रही हूँ। इनके अंदर पॉजिटिव एनर्जी बहुत ज़्यादा होती है, कभी भी किसी को दुख में नहीं देख सकते हैं ऐसे जातक। और ऐसे जातक को सुनने की आदत नहीं होती है, सुनाने की आदत होती है, हमेशा किसी की सुनते नहीं हैं ऐसे जातक, ये भी बात है। ठीक है, और इनके अंदर ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि यहाँ पर कुछ रेखाएं हैं जो दिख रही हैं, काट भी रही हैं यहाँ पर, ये यहाँ पर इनकी ये कुछ रेखाएँ हैं ऐसे ऐसे जा रही हैं, दिखा रही हैं ये सब, यहाँ पर भी कुछ रेखाएँ ऐसे ऐसे काट रही हैं, सीधी आड़ी तिरछी रेखाएं भी दिख रही हैं, जो कि यहाँ पर ये शो ऑफ करती हैं कि इनको सुनने की आदत नहीं होती, ईगो प्रॉब्लम्स बहुत ज़्यादा होती है, घमंड भी हो जाता है कभी कभी इंसान को अपने ऊपर पे, ऐसा भी होता है देखने में। ठीक है, बट लेकिन ऐसे जातक थोड़ा सा धार्मिक भी होते हैं और इनके अंदर दया भी होती है ऐसे जातकों के अंदर, और बहुत अंदर से कड़े जीके भी होते हैं, अंदर से जो है कड़े जीके भी होते हैं लेकिन ऊपर से थोड़ा सा कोमल दिखाई देते हैं। ठीक है, ऐसा बात भी होता है ऐसे जातकों के अंदर। चलिए अब बात कर लेते हैं इनके यहाँ पर अंगूठा, मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर अंगूठे से, यहाँ पे ये दिख रहा है इनका जो अंगूठा है काफ़ी ऐसे ट्विस्ट होकर के गया है, ऐसे ट्विस्ट होकर के गया है। यहाँ पे ये जो अंगूठे की हड्डी है ये काफ़ी बाहर की तरफ भी थोड़ी सी निकली हुई है। ऐसे जातक जो है इनकी इच्छा शक्ति काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांग होती है, जो भी ये अपने मन के अंदर ठान लेते हैं वो कार्य करके रहते हैं। और यहाँ पर इनकी हथेली पर यव का चिन्ह दिख रहा है, यहाँ पर यव का जो शाइन है बहुत अच्छी और क्लियर कट है। मैं फिर से ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाऊंगी, यव का जो चिन्ह है, यव का चिन्ह इनकी हथेली पर पूरा ऐसे बन रहा है। यव का चिन्ह यहाँ पर ये दिखाता है कि इनके ना इनके पास दो नंबर का भी पैसा आ जाता होगा, कभी कभी ऐसे जातकों के पास दो नंबर का भी पैसा आ जाता है। और पैसा जो है इनका कंसंट्रेशन, ऐसे लोग फैमिली की तरफ भी काफ़ी ज़्यादा सपोर्टिव रहते हैं, सपोर्टिव लाइन यहाँ पर दिख रही है, फैमिली की तरफ इनका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है, फैमिली को कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। ये अपना बिजनेस एक दिन के लिए बंद कर सकते हैं, अगर फैमिली को कोई प्रॉब्लम होती है, इनकी फैमिली को अगर कोई डिस्टर्ब करता है तो ऐसे लोगों को बर्दाश्त नहीं होता है, ऐसी बात है। ठीक है, चलिए अब बात कर लेती हूँ इनकी रेखाओं पर, मैं बात करूँगी पूरी रेखाओं देखूँगी। ठीक है, यहाँ पर बात कर लेती हूँ इनकी पहले सबसे शुक्र माउंट की।
यहाँ पे जो शुक्र माउंट है, शुक्र माउंट काफ़ी ज़्यादा उन्नत पोजीशन पर है और काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। शुक्र माउंट पे ही जो है एक रेखा यहाँ पर मंगल की भी महाराज की सपोर्टिव कर रही है। मंगल इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है और शुक्र पर्वत पे ही काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि काट भी रही हैं। ये मस्तिष्क रेखा है, ड्रॉ करके मैं बताती हूँ। अब यहाँ पर देख लेते हैं कि ये जो मस्तिष्क रेखा है वो काफ़ी ज़्यादा छोटी है मस्तिष्क रेखा, ठीक है। और इनका ये जो जीवन रेखा है वो काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। जीवन रेखा में एक रेखा है जो बाहर की अंदर की तरफ शुक्र पर माउंट की तरफ जो है टर्न कर रही है। और यहाँ पे इनका जो शुक्र माउंट काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, उन्नत है और उठा हुआ है। जिस भी जातक का शुक्र माउंट काफ़ी अच्छी पोजीशन पर होता है, उठा हुआ होता है हथेली पर, ऐसे लोगों को जो है काफ़ी ज़्यादा जो है लग्जरी लाइफ जीना काफ़ी ज़्यादा पसंद होता है। अच्छे कपड़े पहनना पसंद होता है, लग्जरी लाइफ जीना पसंद होता है। कमरा इनका साफ़ सुथरा होना चाहिए, कमरे में कोई गंदगी नहीं होनी चाहिए। तो ऐसे जातकों को इन सब चीज़ों में काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्ट होता है, ठीक है। बात कर लेती हूँ यहाँ पर इनके आंतरिक मंगल की। एक ये लाइन है जो सपोर्ट कर रही है इनके अंदर, ठीक है, इनके शुक्र माउंट पे सपोर्ट कर रही है। मंगल का इनका काफ़ी ज़्यादा इनके जीवन में मंगल की इनकी हथेली पर भी मैंने देखा है। बाहरी मंगल भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर जो है आंतरिक मंगल भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट कर रहा है। यहाँ पर इनकी हथेली पर जो है शुक्र भी, इनकी कुंडली में भी शुक्र काफ़ी उच्च का बैठा होगा और इनकी हथेली में भी जो है शुक्र की पोजीशन काफ़ी अच्छी दिख रही है। ऐसे जातकों को शुक्र भी काफ़ी उच्च का दिख रहा है यहाँ पर, ठीक है। बात कर लेते हैं यहाँ पर लग्जरी लाइफ जो इनको मिली है, जो प्राप्त हुई है, वो मंगल की वजह से ही मिली है। मंगल की वजह से मिली हो और राहु की वजह से मिली है। यहाँ पर राहु का माउंट भी काफ़ी उच्च की पोजीशन पर है। राहु, मंगल और शुक्र प्लैनेट और बुध प्लैनेट, ये तीन चार प्लैनेट आपके जो हैं वो तो काफ़ी उच्च कोटि के हैं, ठीक है। बाकी मैं यहाँ पर बताऊँगी हथेली पर, एक एक पॉइंट पर पहले डिस्कस करते हैं हम लोग, ठीक है। यहाँ पर देख लेते हैं इनका पहले ये, यहाँ पे जो माइंड लाइन यहाँ पे स्टार्ट तो भाई है, बट लेकिन स्टार्टिंग के दिनों में इनको काफ़ी ज़्यादा संघर्ष करना पड़ा है अपने जीवन में, जो कि काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि काट रही हैं, जो कि कटती हुई दिख रही हैं। काफ़ी सारी रेखाओं ने काटा है जो कि इनके जीवन पे, ये जो बहुत बड़ा कट लगा हुआ है इनके जीवन में, यहाँ पे कट लगा हुआ है। आफ्टर ये मान के चल सकते हैं, आफ्टर इनकी एज में 22 से लेकर के 32 के बीच में इन्होंने काफ़ी ज़्यादा अपने जीवन में काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया हुआ है इन्होंने अपने जीवन में। मैं फिर से ड्रॉ करके यहाँ पर दिखाना चाहूँगी। ये मस्तिष्क रेखा गई है, यहाँ पे ये रेखाएँ काट रही हैं। ये जितनी भी रेखाएँ काट रही हैं सब संघर्ष की रेखाएँ हैं, जो कि दिखा रही इन्होंने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया। और मंगल ने भी इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है इनके लाइफ में, काफ़ी ज़्यादा मंगल ने भी इनको सपोर्ट किया। ये रेखाएं यहाँ पर कटती हुई दिख रही हैं यहाँ पर। इनकी लाइफ में जो भी संघर्ष रहा है 32 से लेकर के 22 से 32 के बीच में इनको संघर्ष करना ही पड़ा। इनको काफ़ी लॉस भी हुआ है, बिजनेस में भी लॉस हुआ है, इन्होंने कहीं पर जॉब किया उसमें भी इनको परेशानियां ही इनको झेलनी पड़ी है, ऐसा है, ठीक है। काफ़ी सारी रेखाएं हैं, छोटी छोटी रेखाएं जो कि काट रही हैं, अभी भी इनके जीवन में काट रही हैं। यहाँ पर भी दिख रहा है, देख सकते हैं बिल्कुल, ये रेखाएँ जो कि ऐसे ऐसे टर्न होकर के भी जा रही, ये भी रेखाएँ काट रही हैं। यहाँ पर एक छोटा सा ट्रेंगल टाइप का इनका दिख रहा है, यहाँ पर जीवन रेखा में ये एक कट का निशान लगा हुआ है। काफ़ी सारे इनके जीवन में जो है संघर्ष इन्होंने झेला है और इन्होंने अपनी दुख दर्द कभी भी किसी से शेयर नहीं करते हैं। अपने दुख का जो है दुख किसी से रो करके नहीं दिखाते कि मैं इतना ज़्यादा दुखी हूँ। जब इनको पैसे की भी प्रॉब्लम थी तब भी इन्होंने किसी के सामने जो है रो करके नहीं दिखाया। ऐसे जातक बहुत ज़्यादा सहनशील शक्ति के होते हैं, ठीक है, काफ़ी ज़्यादा सहनशील शक्ति के होते हैं। दूसरी बात यह है कि इनकी यहाँ पे जो इनकी मस्तिष्क रेखा है, मस्तिष्क रेखा पर ही मैं देख रही हूँ कि यहाँ पर मस्तिष्क रेखा के साथ साथ इनको जो सपोर्ट किया है मंगल ने, इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया है, ठीक है। इनके अंदर
एनर्जी बहुत ज़्यादा है, साहस बहुत ज़्यादा है, काम करने की इच्छा शक्ति बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है। ये निगेटिव नहीं होते अपनी लाइफ में, पॉजिटिव ही रहते हैं, संघर्ष ही करते रहते हैं ऐसे जातक। ठीक है, इनकी जीवन लाइन के बारे में मैं देखना चाहूँगी यहाँ पर इनकी जीवन रेखा किस तरीके से है। जीवन रेखा मैं यहाँ पर जैसे कि देख रही हूँ, यहाँ से ऐसे गई है इनकी जीवन रेखा, एक लाइन इधर से निकल रही है इनकी, ठीक है, जो शुक्र माउंट के अंदर यहाँ पर एंटर कर रही है, एक लाइन इनकी यहाँ से गई है और यहाँ केतु के माउंट पर एक साइन बन रहा है। यहाँ पर बहुत अच्छा साइन यहाँ पर देखने को मिल रहा है, ऐसे ऐसे करके यहाँ पे ये जो साइन है यहाँ पे ये डेवलप कर रहा है। केतु महाराज जो है इनके कुटुंब को बांध कर ले करके चल रहे हैं, ये फैमिली की तरफ बहुत ज़्यादा एग्रेसिव हैं, फैमिली की तरफ इनका बहुत ज़्यादा रुझान है। फैमिली को तकलीफ़ नहीं होना चाहिए, ख़ास तौर से फैमिली को कोई भी प्रॉब्लम्स होती है तो इनको बहुत ज़्यादा तकलीफ़ होती है, इनको ऐसा है। ठीक है, इनके बिज़नेस की बात मैं कर लेती हूँ यहाँ पर, जैसे कि बिज़नेस का प्रश्न भी था। ठीक है, बिज़नेस के लिए मैं जैसे कि यहाँ पर आपके अभी एज 49 है यहाँ पर है, ठीक है, जैसे कि मैं ये देख रही हूँ यहाँ पर दिखाना चाहूँगी मैं यहाँ वीडियो पे, 49 के करीब है इनकी एज। ठीक है, 49 के आगे की जो रेखाएं हैं इनकी, ठीक है, जो बढ़ रही है कुछ, तो यहाँ पर इनको जो एक ये कट लगा हुआ है, आफ्टर ये मान के चल सकते हैं कि आफ्टर इनको जो है 56 के करीब इनको फिर से कुछ बिजनेस में लॉस हो सकता है, कुछ ना कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इनको। ठीक है, एक यहाँ पर एक कट लगा हुआ, एक ये यहाँ पे कट लग रहा है जो कि अंदर शुक्र माउंट के अंदर एक रेखा जा रही है। ठीक है, तो आफ्टर इनको उस टाइम पीरियड पे इनको बिजनेस पे थोड़ा सा लॉस हो सकता है उस टाइम पीरियड पे। ठीक है, बट लेकिन ओवरऑल अभी का जो टाइम पीरियड है वो अच्छा रहेगा, और ओवरऑल जो एज है यहाँ पर, जो एज मैं देख रही हूँ यहाँ पे लाइफ लाइन की एज भी, यहाँ पर एक मछली का भी एक साइन ऐसे गया हुआ है, मछली का भी एक साइन देखने को मिल रहा है, ये केतु पर्वत पे यहाँ पर बना हुआ है। इनके पास अपार धन तो आता है, दो नंबर का भी पैसा आता होगा इनके पास। ठीक है, और अधिक से ज़्यादा इनका ध्यान जो है, अधिक से ज़्यादा इनका कॉन्सेंट्रेशन अपने बिजनेस के ऊपर होता है, अपने कैरियर को लेकर के ही होता है ऐसे जातकों का। और ऐसे जातकों का केतु, जिस भी जातक का केतु बहुत ज़्यादा प्रबल रहता है, ऐसे जातकों का जो है वाणी पर बहुत ज़्यादा प्रभाव रहता है ऐसे जातकों का। यहाँ पर एक साइन और दिख रहा है, यहाँ पर कुछ रेखाएं यहाँ पर ऐसे ऐसे जा रही हैं, यहाँ पर जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पर भी रेखाएं दिख रही हैं जो कि यहाँ पर इनको सपोर्ट करती हैं। इनके पीछे के इनके जो मस्तिष्क हैं, इनके कुछ पूर्व जन्म का भी है, क्योंकि केतु जो है आत्मकारक का भी होता है, मोक्ष का भी होता है केतु, तो इनको केतु महाराज इनको ज्ञान देते रहते हैं। इनको चाहे दुनिया इनके बारे में कुछ भी सोचे तो इनको कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, इनको बस अपने कैरियर को लेकर के, अपने फैमिली को लेकर के दुनिया से कोई लेना देना ऐसे जातकों को नहीं होता है। बात कर लेते हैं इनकी हथेली पे चंद्र पर्वत की। यहाँ पे चंद्र पर्वत, जिस तरीके से इनकी हथेली पे यहाँ पे चंद्र पर्वत जो है, ठीक है, इनके चंद्र पर्वत पे एक ही रेखा है जो साफ सुथरी दिखाई दे रही है, हल्की सी निकल रही है चंद्र पर्वत पे। ठीक है, वही इनके जो है लेफ्ट हैंड पे चंद्र पर्वत देखना चाहूँगी मैं, वही यहाँ पे हथेली पे लेफ्ट पर्वत पे यहाँ पे चंद्र पर्वत मैं देख रही हूँ। चंद्र पर्वत में काफ़ी सारी रेखाएँ हैं जो ऐसे ऐसे निकल रही हैं। ठीक है, यहाँ पर ऐसे ऐसे छोटी छोटी रेखाएं हैं जो कि ऐसे ऐसे निकल रही हैं इनकी हथेली पर। ठीक है, जो कि ये रुझान करती हैं कि इनका जो है प्रॉपर जो है अभी इनका विदेश में ही रहने का रुझान होता है ऐसे जातकों का। बहुत सारी चंद्र पर्वत यहाँ पर देखने को मिल रही है, बट लेकिन यहाँ पर चंद्र पर्वत थोड़ा सा अच्छी पोजिशन पर नहीं है हथेली पर, मुझे अच्छी पोजिशन पर मुझे नहीं नज़र आ रहा है चंद्र पर्वत इनका। इनके मन में कुछ ना कुछ निगेटिव थॉट भी कभी कभी आ जाते हैं, कभी कभी मन में डर सा लगा रहता है कि मैं जहाँ पर हूँ आज, मैं जहाँ पर हूँ, जितनी ऊंचाई पर हूँ, कहीं मैं नीचे तो नहीं गिर जाऊँगा। निर्णय लेने की जो शक्ति है वो तो इनकी स्ट्रांग है, ठीक है, बट लेकिन कभी कभी इनके निर्णय लेने की जो शक्ति है वो भी इनकी कमज़ोर हो जाती है, वीक हो जाती है। ठीक है, बट लेकिन नए नए विचार भी इनके माइंड में चलते रहते हैं, नए नए विचार भी इनके माइंड में आते रहते हैं कि मैं कुछ नया काम करूं, कुछ नया करना है मुझे। और पानी के पास ये जाते होंगे तो पानी के पास इनको अच्छा लगता होगा, पानी के पास जाना अच्छा लगता होगा। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हैं, लेकिन पानी के पास ज़्यादा ना जाए तो ज़्यादा बेटर है, क्योंकि पानी से थोड़ा सा
दूरी बना करके रखें, यही मेरा सजेशन है। क्योंकि चंद्रमा यहाँ पर हथेली पर अच्छी पोजीशन पर नहीं है, निगेटिव थॉट बहुत ज़्यादा आते हैं आपके माइंड में, क्योंकि मॉर्निंग में आप काफ़ी ज़्यादा पॉजिटिव रहते हो, जैसे जैसे शाम होती जाती है वैसे वैसे आप निगेटिव भी हो जाते हो, कभी कभी निगेटिव थॉट भी आ जाते हैं आपके माइंड में, ये बात है। ठीक है, चलिए अब हम लोग बात कर लेते हैं। अब हथेली पर यहाँ पर मैं जैसे कि देख लेती हूँ इनकी हथेली पर, यहाँ पे जो मंगल है इनका, जो बाहरी मंगल है, बाहरी मंगल में इस तरीके की रेखा, मैंने बहुत सारे लोगों का हैंड एनालिसिस किया है, बट इस तरीके से मैंने बाहरी मंगल की इतनी लंबी ऐसी रेखा, जो बाहरी मंगल की जो रेखा यहाँ से निकल रही है आपकी और डायरेक्ट बाहरी मंगल की रेखा जा करके आपके लक लाइन से ऐसे मिल करके शनि पर्वत के पास जा करके मिल गई है, ये बहुत अच्छा साइन है। मैंने बहुत ऐसे लोगों के हाथ पे, किसी का हाथ अभी तक का मैंने बहुत सारे लोगों के हाथ देखे, लेकिन इतनी बड़ी कि जो बाहरी मंगल की लाइन है वो मैंने आज तक का कभी भी किसी के भी हाथ में हथेली में नहीं देखा है। ठीक है, और यहाँ पर ये जो आपकी लक लाइन है एक ऐसे गई है और एक सपोर्टिव लाइन भी, एक डबल लक लाइन मैं बोलूँगी इसको, एक ये निकल रही है। ठीक है, एक यहाँ पर ये एक लक लाइन आपकी निकली है, ये लक लाइन आपकी निकली है छोटी सी। ठीक है, लक लाइन आपकी अच्छी नहीं है, लेकिन आपको पूरे जीवन में मंगल ने आपको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया। आप जिससे भी मिलते हो, जिस भी व्यक्ति से मिलते हो, बहुत ज़्यादा एनर्जी से मिलते हो, आपकी वाणी में काफ़ी ज़्यादा जो है पावर है। जैसे कि मैंने बताया था, आप दूसरे वाले इंसान को बहुत जल्दी कंप्रोमाइज़ कर लेते हो, दूसरे इंसान को बहुत जल्दी अट्रैक्ट कर लेते हो अपनी तरफ, काफ़ी जल्दी सामने वाला व्यक्ति आपसे बात करते ही आपकी तरफ अट्रैक्ट हो जाता है, ये भी बात, ये भी अच्छी, बहुत अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। ठीक है, बट लेकिन ओवरऑल आपकी जो यहाँ पर भी मैंने मंगल देखा है कि मंगल यहाँ पर भी हथेली में काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। आपके कुछ पूर्व जन्म के ऐसे जातकों की हथेली पर जिस तरीके से मंगल का अगर बहुत ज़्यादा प्रभाव है, तो ऐसा जो है पूर्व जन्म का भी कुछ प्रकोप हो सकता है कि पूर्व जन्म की वजह से ही आपकी हथेली में इतना सॉलिड मंगल देखने को मिल रहा है मुझे। ठीक है, और मंगल की वजह से आपके अंदर जो एनर्जी है, आप किसी भी इंसान से मिलते हो एक पॉजिटिव एनर्जी के साथ मिलते हो, और कोई भी प्रॉब्लम्स आती है तो उसको बहुत अच्छी तरीके से आप फाइट भी करते हो, और कभी भी आप अपने जीवन पर निराश नहीं होते हो। एक होता है ना कि बहुत जल्दी निगेटिव थॉट ले आना और लगता है कि मैं आगे नहीं बढ़ पाऊँगा, कैरियर नहीं कर पाऊँगा, तो वो बात आपके अंदर है ही नहीं। जिस भी जातक का मंगल, मंगल के साथ आपको राहु भी काफ़ी अच्छी पोजिशन पर आपको जो है सपोर्ट करता है। यहाँ पे मंगल के साथ यहाँ पे राहु का जो माउंट है आपका, राहु का माउंट भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है। राहु आपका उच्च कोटि का है। ठीक है, राहु भी आपकी भी कुंडली में भी उच्च का है, क्योंकि हथेली में भी जो उच्च का राहु दिखा रहा है, अच्छी पोजीशन पर राहु का माउंट है, इसीलिए कुंडली में भी आपका जो राहु है वो अच्छी पोजीशन पर ही होगा। ठीक, कुंडली तो मैंने नहीं देखी, लेकिन जो हम लोग कर्म करते, कर्म के अनुसार हमारी जो रेखाएं होती वो बनती भी करती रहती, तो इसलिए यहाँ पर राहु भी बहुत अच्छी पोजीशन पर दिख रहा है। आज आप जिस पोजीशन पर हो, ठीक है, मंगल आपको आगे भी लेकर के जाएगा और राहु महाराज भी आपको आगे लेकर के जाएंगे, तरक्की पे लेकर के जाएंगे। ठीक है, बात कर लेती हूँ मैं आपके यहाँ पर थोड़ा सा हार्ट लाइन की बात कर लेती हूँ। मैं हार्ट लाइन में आपकी जैसे कि यहाँ पर देख रही हूँ, फैमिली की तरफ आपका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है, क्योंकि यहाँ पे ये जो रेखा है त्रिशूल नुमा बन करके विष्णु चिन्ह का रूप लेकर के एक तरफ ऐसे नीचे जा रही है, एक इस डायरेक्शन की तरफ जा रही है, जो कि यहाँ पर ये दिखा रहा है कि फैमिली की तरफ आपका रुझान काफ़ी ज़्यादा रहता है। ठीक है, और ये जो रेखा यहाँ पर एक टूट करके एक नीचे आई है ऐसे करके, ये यहाँ पर ये दिखा रही है कि गुस्सा आपको बहुत ज़्यादा आता है, गुस्सा आता है, और गुस्सा आने के साथ साथ ऐसा जो है गुस्सा भी आता है, गुस्से के साथ साथ जो है यहाँ पर आपके पास एक हार्ट लाइन में कुछ रेखाएं और भी ऐसे ऐसे निकल रही हैं, ऐसे ऐसे सीधे रहती हैं, ये रेखाएं काट रही हैं यहाँ पे हथेली में, ऐसे ऐसे काट रही हैं, जो कि जो है पैसे की तरफ जागरूक करती हैं, पैसे की तरफ ध्यान आपका अट्रैक्ट करती हैं। जागरूक रहना, जैसे बोल सकते हैं कि पैसे की तरफ जागरूक रहना, ये ज़रूर बोल सकते हैं। ठीक है, और अपने सगे संबंधियों को अगर पैसा देते भी हैं तो उनसे पैसा तुरंत आप निकलवा भी लेते हैं, आपके अंदर वो भी क्वालिटी, अगर किसी बंदे को आप अगर पैसा देते हैं तो उस बंदे से पैसे भी निकलवा लेते हैं, ये भी अच्छी क्वालिटी है आपके अंदर। एक ये यहाँ पर चिन्ह देखने को मिल रहा है, यहाँ पर ये एक त्रिशूल नुमा एक ये चिन्ह आपकी हथेली पर ऐसा देखने को मिल रहा है। मैं फिर से एक ड्रॉ करके दिखाऊँगी, यहाँ पर ये जो चिन्ह आपकी हथेली पर दिख रहा है, ये स्टार आपकी हथेली पर ऐसे बन रहा है यहाँ पर, जो कि आपको समय समय पर जो है अचानक धन की प्राप्ति भी करवा देता है ये चिन्ह आपको।
ठीक है, कभी कभी आपने सोचा भी नहीं होता है कि ऑर्डर आ जाता है आपके पास अचानक से, ठीक है। तो ये यहाँ पर ये जो शाइन है यहाँ पर ये दिखा रहा है कि अचानक से धन मिलना, ठीक है, पता भी नहीं होता है कि आज के दिन इतना ऑर्डर आ जाएगा, अचानक से आपके पास धन आ जाता है, ऑर्डर आ जाता है, ये बोल सकते हैं, ठीक है। दूसरी बात ये है कि माता पिता से आपका बहुत ज़्यादा कनेक्शन नहीं रहा है, माँ की तरफ आपका रुझान आपका रहा है, ये रेखाएं जो कि निकल रही हैं हार्ट में, माँ से आप काफ़ी ज़्यादा जुड़े रहे हैं अपनी माँ से, माँ की तरफ आपका रुझान भी था, लेकिन पिता का आपका ज़्यादा सपोर्ट नहीं मिला है लाइफ में, ठीक है। पिता की तरफ लाइफ में आपको सपोर्ट नहीं मिला है, जो कि हथेली पर भी आपके दिख रहा है, अधिक से ज़्यादा आपकी हथेली पर यहाँ पर एक हार्ट की कुछ प्रॉब्लम्स भी मेरे को दिख रही थी यहाँ पर आपकी हथेली में, हार्ट लाइन में थोड़ा सा यहाँ पर, जैसे कि मैं देख रही हूँ यहाँ पे कुछ रेखाओं ने ऐसे काट रखा है यहाँ पे मिड पॉइंट पे, आफ्टर ये मान के चल सकते हैं थोड़ा सा आपका ये यहाँ पे कुछ रेखाएं हैं ऐसे निकल रही हैं, ये कुछ रेखाएं हैं जो कि यहाँ पर ये दिखा रही हैं कि थोड़ा सा जो है आपको अपने चेस्ट का, हार्ट में इन्फेक्शन होने का, ये थोड़ा सा आगे चल कर के थोड़ा सा डर है, थोड़ा सा हो सकता है, तो इसका आपको अपना ध्यान रखना है। हार्ट में इन्फेक्शन वगैरह हो सकता है, हार्ट में पेन, हाई बीपी, लो बीपी की शिकायत वगैरह आपको हो सकती है, ठीक है, तो इसका आपको थोड़ा सा ध्यान रखना है, ठीक है। आपको नज़र बहुत जल्दी लगती थी बचपन में, आपको नज़र बहुत जल्दी लग जाती थी, ये भी यहाँ पर हार्ट लाइन ये भी दिखाती है, ठीक है। बात कर लेती हूँ ये फिंगर की आपकी, यहाँ पे ये जो फिंगर है आपकी, जो बुध की फिंगर है और सन माउंट की जो फिंगर है, ठीक है, ये फिंगर आपकी ये यहाँ पर इतनी जो दूरियाँ यहाँ पे ये शो ऑफ कर रही है आपको, अपने काम से काम मतलब से मतलब आप रखते हैं, ज़्यादा दुनिया के पछड़ों में आप नहीं पड़ते हैं, समाज क्या कह रहा, दुनिया क्या कह रहा, उससे कोई मतलब नहीं रहता आपको, अपने बिजनेस से मतलब रहता है, अपने काम से काम, अपनी फैमिली से आपको ही मतलब रहता है बस। दूसरी बात मैं ये भी कहूँगी, अगर आप अपना बिजनेस अगर आप करना चाहते हैं, बिजनेस अगर आप डालना चाहते हैं, तो बिजनेस के लिए अगर आप पैसा कहीं इन्वेस्ट कर रहे हैं, अधिक से ज़्यादा आप जो है कपड़े पे भी आप इन्वेस्ट कर सकते हो, और टेक्निकल फील्ड, टेक्निकल चीज़ों से आप जो रिलेटेड भी आप काम कर सकते हो, क्योंकि राहु भी आपका अच्छा है और यहाँ पर मंगल भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, ठीक है। तो इसकी वजह से आप कंपनी वगैरह भी अपनी लॉन्च कर सकते हो भारत में या अदर स्टेट में, अदर कंट्री में, अगर आप अपना काम स्टार्ट करना चाहते हैं। अगर आपके लिए सुटेबल अगर कंट्री में बोलूँ तो साउथ डायरेक्शन में ही आप अपना काम अगर स्टार्ट करेंगे तो वो आपके लिए ज़्यादा सक्सेस रहेगा, क्योंकि मंगल काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है और राहु महाराज भी काफ़ी अच्छी पोजीशन पर है, यूएसए हो गया, कनाडा हो गया, अगर वहाँ पे अगर आप अपना काम डालोगे, बिजनेस डालोगे, तो उसमें आपको काफ़ी ज़्यादा तरक्की मिलेगी और सक्सेस मिलेगी, सफलता मिलेगी आपको, ठीक है। दूसरी बात ये भी है यहाँ पर आपको जो है बिजनेस में, मैंने आपको बताया था यहाँ पर, आपको मैंने बताया था कि बिजनेस में आपको लॉस हो सकता है, बिजनेस में आपको प्रॉब्लम हो सकती है आगे चल कर के, क्योंकि सूर्य माउंट आपका अच्छी पोजीशन पर नहीं है, शनि भी आपका अच्छी पोजीशन पर नहीं है, और चंद्रमा भी हथेली पर अच्छी पोजीशन पर नहीं है। आपका मन जो है एकाग्र तो रहता है लेकिन कुछ भटकता भी रहता है, कभी कभी निगेटिव थाट भी आते रहते हैं, आपके मन में थोड़ा सा डर सा बना रहता है, तो ये चीज़ें आपके माइंड में हैं लेकिन आप किसी से शो ऑफ नहीं करते हो, बताते नहीं हो, मन की स्थिति आपकी कुछ वैसी रहती है, थोड़ी सी हाई लेवल की होनी चाहिए, कभी कभी आपका जो माइंड का जो लेवल है वो कभी कभी लो हो जाता है, बिल्कुल डाउन फॉल में चला जाता है आपका माइंड लेवल, जो मेंटल लेवल है वो भी ऐसा है, ठीक है। तो उसके लिए आपको मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, क्योंकि आगे बिजनेस आप अगर करेंगे तो उसमें आपको लॉसेस भी होने के काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं, थोड़ा बहुत चांसेस हैं, क्योंकि शनि महाराज काम में डिले डाल सकते हैं, ठीक है। ये हथेली पर पूरा पूरा दिख रहा है और यहाँ पर सन का भी जो माउंट है वो भी आपका क्लियर कट नहीं है, ठीक है, इसलिए थोड़ा बहुत आपके काम में जो है डिले आएगा। मैं कुछ रेमेडीज़ बताऊंगी, आप जैसे जैसे रेमेडीज़ करेंगे तो आपको काफ़ी ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। जो भी मैं रेमेडीज़ बताती हूँ वो प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही मैं रेमेडीज़ करवाती हूँ, ऐसी बात है, ठीक है। जो भी मैं रेमेडीज़ करवाती हूँ प्लैनेट के अकॉर्डिंग ही मैं रेमेडीज़ करवाती हूँ, तो उसका रिज़ल्ट भी आपको देखने को मिलेगा, आपको अपनी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजेस आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। दूसरी बात मैं यहाँ पर आपके लेफ़्ट हैंड पे देख रही हूँ, यहाँ पर जैसे कि लेफ़्ट हैंड में दूसरी
एक यहाँ पर आपके हथेली पर, एक यहाँ पर एक डॉटेड, एक यहाँ पे आपके तिल है, और एक शुक्र माउंट में भी तिल है, एक यहाँ पर भी एक ब्लैक डॉट मुझे नज़र आ रहा है, यहाँ पर हल्का सा नज़र आ रहा है, शायद अभी बन रहा हो या 2-3 साल से हो सकता है। ठीक है, अधिक से ज़्यादा जो है आप अपनी फैमिली में जो है अपनी बेटी के आप काफ़ी ज़्यादा करीब हैं, और बेटी की तरफ आपका रुझान भी काफ़ी ज़्यादा है, उसके कैरियर को लेकर के भी आपका काफ़ी ज़्यादा रुझान है अपनी बेटी की तरफ। ठीक है, दूसरी बात यह है कि यहाँ पर जैसे कि मैं आपकी माइंड लाइन देख रही हूँ, आपके माइंड लाइन और यहाँ पर ये जो यव बन रहा है आपकी लाइफ में, जो संघर्ष जिस भी जातक की हथेली पे अगर यव जहाँ पर बना होता है, तो ऐसे जातक के हथेली में जिसके भी जातक में यव अगर हथेली पर अगर कहीं पर भी यव देखने को मिल जाता है, यव उंगलियों पर अच्छा इफेक्ट देता है, बट लेकिन हथेली पर कहीं पर भी यव होता है तो अच्छा इफेक्ट नहीं देता है। यहाँ पर ये कि यव बन रहा है, ये पूरा साफ दिखाई दे रहा है आँख की तरीके, यहाँ पर ये यव बिल्कुल जौ के दाना जैसा होता है ना, चावल के दाने के तरीके, ये यव देखने को मिल रहा है। ये अप्रोक्स आपका ये जो टाइम पीरियड है 22 से लेकर के 32 के बीच में आपने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया है अपने टाइम पीरियड पे। ठीक है, और जिस टाइम पे ये यव बना हुआ था, अभी तो आप फाइट कर चुके हो, लाइफ में आगे भी आ गए हो, ठीक है, आपने उस टाइम पीरियड पे जब काफ़ी ज़्यादा संघर्ष कर लिया था, तो अभी तो आप आगे चल चुके हो, अभी तो कोई प्रॉब्लम वाली इतनी बात नहीं है, लेकिन बिजनेस को लेकर के आपके मन में थोड़ा सा डर भी बना रहता है, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे ये जो यव है, उस टाइम पीरियड पे आपने संघर्ष काफ़ी ज़्यादा किया है, आप इतने ज़्यादा डिप्रेशन में भी रहते थे उस टाइम पीरियड पे, क्योंकि रेखाएं हैं यहाँ पर, काफ़ी सारी रेखाएं हैं जो कि काट भी रही हैं हथेली पर, साफ सुथरी दिख रही है, आपके लेफ्ट हैंड में भी दिख रहा है बिल्कुल कि आपने काफ़ी ज़्यादा संघर्ष किया था अपनी लाइफ में। ठीक है, यहाँ पर जो माइंड लाइन है आपकी, यहाँ से यव से निकल के बिल्कुल नीचे जा रही है। ठीक है, मेंटल लेवल आपका जो है काफ़ी ज़्यादा, आफ्टर मैरिज के बाद ही आपकी लाइफ में काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट होना स्टार्ट हुआ है। मैरिज के पहले आपकी लाइफ जो थी, और मैरिज के बाद जो आपकी लाइफ है, काफ़ी ज़्यादा चेंजमेंट आपकी शादी के बाद ही आपकी लाइफ में हुआ है, ऐसा है। ठीक है, यहाँ पे कुछ झरोके भी मुझे उंगलियों में नज़र आ रहे हैं, बीच बीच में गैपिंग नज़र आ रही है। पैसा आता तो बहुत है लेकिन टिकता भी नहीं है, पैसा आता है तो खर्च भी होता है, लेकिन आप टेंशन नहीं लेते, टेंशन लेने वाले आप इंसान ही नहीं हैं। ठीक है, ऐसा है। ठीक है, तो चलिए अब मैं यहीं पर समाप्त करना चाहूँगी, और रेमेडीज़ जो मैं बताऊँगी आप रेमेडीज़ ज़रूर करिएगा, ठीक है, ताकि आप जो बिज़नेस करें तो उसमें आपको लॉस ना हो। तो यही चीज़ मैं आपको सुझाव देना चाहूँगी कि आप जो है, आपका एक तो शनि प्लैनेट आपका वीक है, और आपका सन माउंट का जो प्लैनेट है, सन माउंट का प्लैनेट आपका सूर्य आपका वीक है, शनि वीक है, और चंद्रमा भी वीक है। ठीक है, ये प्लैनेट आपको नीचे डाउनफॉल पे भी ले जा सकते हैं। ठीक है, तो आप रेमेडीज़ ज़रूर कर लीजिएगा जो मैं बताऊँगी, आशा करती हूँ कि आपको अच्छा लगेगा। नमस्कार, राधे राधे।